हेलो जी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए चैलेंज वीडियो। बच्चों के कहे पे हम लोगों ने मैगी चैलेंज वीडियो बनाया है। चलिए दिखाती हूँ। ये है मैगी और ये है सैंडविच और एक एक गिलास दूध। तो हम तीनों लोग, माँ बेटा बेटी, तीनों लोग चैलेंज कर रहे हैं मैगी सैंडविच और दूध का। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। हाँ, तो अब हम लोग शुरू करते हैं मैगी चैलेंज। ओके, 3, 2, 1 स्टार्ट। अब फटाफट सब लोग खाना शुरू कर दिया है। आप लोग भी खा लीजिए आके मैगी, ब्रेड सैंडविच और दूध। ये शाम का समय हो रहा है, शाम का समय हो भी रहा है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, इसके लिए थोड़ी अंधेरा हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे रात हो गया है, लेकिन शाम के 5 बज रहे हैं अभी। और तो बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है बाहर। तो बच्चों को नाश्ता कराने का ये अनोखा तरीका है, क्या किया जाए। बच्चे ऐसे दे दो खाने को तो नहीं खाते, दूध दो तो नहीं पियेंगे। तो मैंने बोला कि चलो चैलेंज किया जाए। तो बच्चे भी बड़ी खुश हो गए कि हम लोग को वीडियो में आने का मौका मिलेगा कम से कम। तो मतलब देखो, मेरी बेटी कितना प्यार से खा रही है। और मतलब मेरा बेटा सोचता है कि मैं ही जीतूँ, जो कि इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तब एक होता है ना कि मैं फर्स्ट आऊँगा, बच्चों में होता है। तो वो सोच रहा है कि मैं जानती हूँ कि वो जीत जाएगा। तो देखिए चैलेंज वीडियो, कौन जीतता है। तो दोस्तों, कितनों भी जल्दी करो, मतलब खाना कुछ भी खाओ तो धीरे धीरे ही खवाता है, बहुत जल्दी नहीं खवाता है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ खाने की, बट मैं हार जाती हूँ। मुझसे ना मैगी, चाउमीन ये सब नहीं खवाता है। और बच्चों लोगों को तो बहुत पसंद है आजकल के बच्चे, चाउमीन, नूडल्स, मैगी ये सब बहुत पसंद करते हैं। और पहले मैं भी छोटी थी तो खाती थी, शादी पहले बहुत खाती थी, लेकिन शादी बाद उतना, मतलब नहीं उतना। देखिए मेरा बेटा फर्स्ट आ गया, वो बता रहा है, देखिए मैं फर्स्ट आ गया और आप लोग खाते ही रह गए। और मेरी बेटी बोल रही है कि मैं भी फर्स्ट आऊँगी। वही दोनों बातें भी कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। मैं तो कोशिश कर रही हूँ खाने की कि जल्दी खवा जाए, लेकिन नहीं हो रहा है मुझसे। बस मेरा हो गया, सॉरी, मुझसे नहीं हो पाया मैगी, मैं नहीं खा पाई। और जैसे फंस रहा है गले में, ऐसे मैं नहीं खा पाई मैगी। और हाँ, ब्रेड सैंडविच मैं खाने जा रही हूँ। मेरा बेटा खा लिया है शायद मैगी खा लिया है, ब्रेड सैंडविच खाने जा रहा है। मैं भी ब्रेड सैंडविच खा रही हूँ। देखती हूँ, वो तो ब्रेड सैंडविच भी खा लिया, उसमें भी जीत गया। अब वो कह रहा है कि आपका भी मैगी मैं खाऊंगा, तो मैंने मना कर दिया, नहीं, ये चैलेंज है ना, चैलेंज में चलो अपना अपना खाता है, किसी का नहीं खाता है। तो फिर वो अपना ब्रेड सैंडविच खाने लगा। और इधर मेरी बेटी भी लगी पड़ी है कि जल्दी मैं भी जीत जाऊँ। तो वो भी लगी है अपना प्लेट साफ़ करने में, उसका भी मैगी ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया है। और बहुत खुश हो रही है कि मैं भी जीत गई। अब वो ब्रेड सैंडविच खा रही है। और ये कार्तिक तो खा लिया है ब्रेड सैंडविच, तो इनका तो, ये तो जीत ही जाएंगे लग ही रहा है। इनको देखने में ही लग रहा है कि जीतने के एकदम प्रयास में पड़े हैं कि मैं कैसे जीत जाऊं मम्मी से। हाँ, अब ये ब्रेड है तो ब्रेड तो वो तो गले में थोड़ा फंसता है, तो थोड़ा पानी पिएगा, फिर देखिए इसका। कोशिश तीनों लोग लगे हैं, लेकिन बहुत अच्छा बना था, सब बहुत अच्छा बना था। मैगी भी बहुत टेस्टी बनी थी और ब्रेड सैंडविच भी बहुत अच्छा बना था और दूध भी बहुत टेस्टी लग रहा था। सब खाने के बाद लास्ट में दूध जब पिए ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बताया तो एकदम पेट एकदम टाइट हो गया था हम लोग का, एकदम पेट भर गया था। तो यहाँ पर कार्तिक का फिनिश हो गया, कार्तिक जीत गया, हम लोग हार गए। कार्तिक विनर, फर्स्ट आया।
अब ये कह रहा है बस मेरा हो गया, अब मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, और बहुत खुश हो रहा है, बहुत अपने आप को दिखा रहा है कि मैं फर्स्ट आया हूँ। और मैं इससे बोल रही हूँ कि बैठो, फर्स्ट आए हो तो बैठो। फर्स्ट आने का मतलब ये नहीं है कि हो गया बस खा लिए और चले गए, फर्स्ट आए हो तो बता दो कि मैं फर्स्ट आया हूँ। तो ये इनका कार्तिक का हो गया, ये तो बहुत पहले ही फिनिश कर ली है। अब रह गए माँ बेटी, मैं और पंखुड़ी। अब मैं भी फिनिश कर लेती हूँ, मेरा ब्रेड फिनिश हो गया, ब्रेड सैंडविच। अब मैं दूध फिनिश कर रही हूँ, मेरी बेटी तो मैगी भी फिनिश कर ली है और ब्रेड भी फिनिश कर रही है और दूध भी फिनिश कर लेगी, अच्छी बच्ची है, कर लेगी, कोशिश करती है ये भी कि मैं भी करूँ। केवल मतलब ये नहीं, हर चीज़ में चाहती है कि मैं भी कुछ ना कुछ करूँ, हर काम करने की कोशिश करती है वो, छोटी है इसके लिए नहीं करने देती हूँ ना। हाँ, लेकिन बहुत टेस्टी बना था मैगी और ब्रेड सैंडविच, दूध पी के इतना मज़ा आया कि क्या बताऊँ। मतलब बच्चों के साथ तो पहली बार मैंने ऐसे खाया है, नहीं तो पहले बच्चों को खिलाती हूँ फिर मैं खाती हूँ, तो अच्छा लगा। मतलब वीडियो बनाने का एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि बच्चों के साथ खाने को मिला, इन्जॉय करने को मिला, हम लोग बहुत मस्ती कर करके खाए हैं, बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ मस्ती करने में। अब यहाँ पे हम लोग लाइट जलाना ही भूल गए थे, तो अंधेरा अंधेरा आ रहा था, तो मैं गई लाइट जला के आई तो बोल रही हूँ कि अंधेरा अंधेरा आ रहा था, कोई याद ही नहीं दिलाया कि लाइट भी जला लेते हैं। बारिश हो रहा था ना तो बादल घिरा हुआ है, तो बाहर खिड़की से रोशनी नहीं आ रही थी, तो अंधेरा लग रहा था रूम में। तो हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं लाडो को, ये मेरी बेटी भी जीत गई, मतलब फर्स्ट कार्तिक आया, सेकेंड लाडो आई, और मैं तो हार गई, मैं हार मानती हूँ, मैं हार गई, मेरा बच गया, मैं नहीं खा पाई। तो अब ये बच्चे कह रहे मैं खाऊंगी, अब वो कह रहा है मैं खाऊंगा, दोनों लोग। तो ये देखिए मेरा ये बचा हुआ मैगी है, बच्चों का फिनिश हो गया है, मतलब मेरे दोनों बच्चे जीत गए और मैं हार गई, बट कोई बात नहीं, बच्चे जीत गए मैं खुश हो गई, बच्चे जीते समझ लो। मैगी था। तो दोस्तों देखा हम लोगों का चैलेंज, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं हार गई, कार्तिक जीत गया और पंखुड़ी दूसरे नंबर पे आई, कार्तिक फर्स्ट नंबर पे आया और पंखुड़ी दूसरे नंबर पे आई, और मैं तो हार गई, मुझसे तो मैगी खिला ही नहीं रहा था, दूध पी लिया, सैंडविच खा लिया, लेकिन मैगी नहीं खिला रहा था ज़्यादा। और बच्चे हैं, बच्चों को बहुत पसंद आता है मैगी, अब क्या करें, शाम का नाश्ता था, बच्चों को कैसे भी फुसला के खिलाना है पिलाना है, तो मैंने एक कोशिश किया बच्चों को खिलाने की, बहुत बच्चों को खिलाना पिलाना भी जैसे टारगेट होता है, तो इस तरह खेल खेल में बच्चे खा भी लिए और मेरा टारगेट भी हो गया, एक वीडियो भी मेरा कम्प्लीट हो गया। तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो वॉच करिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यहीं पे मैं वीडियो ये ख़त्म करती हूँ, अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, मैं हो सके तो अच्छे अच्छे ब्लॉग डालने की कोशिश करूँ, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। बाय बाय, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।